हेलो फ्रेंड, राज पेट शॉप में नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लास्टली मैंने वीडियो में बोला था कि डबल कोट और लॉन्ग कोट, लॉन्ग कोट का मैंने बच्चा भी आपको लोग को दिखाया था, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डबल कोट का बच्चा। जो बहुत कोई पेट शॉप वाले भी, ब्रीडर भी, कस्टमर के दबाव में आके बोल देते हैं कि हाँ भैया लॉन्ग कोट निकलेगा, लेकिन लॉन्ग कोट जैसे ये मेरे हाथ में जो बच्चा देख रहे हैं आप लोग, ये भी आराम से हम लोग लॉन्ग कोट बोल के दे सकते हैं। हम लोग बच्चा देने टाइम में या फोटो खींचने टाइम में क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इस टाइप से बाल को उठा देते हैं, इस तरफ से कान को उठा देते हैं, तो लगता है कि लॉन्ग कोट बच्चा है, फुल्ली लगता है कि लॉन्ग कोट, लेकिन आगे चल के ये लॉन्ग कोट नहीं निकलेगा। लेकिन बहुत कोई करते हैं क्या कि अब कस्टमर भी बोलते हैं कि भैया हमको लॉन्ग कोट दे दीजिए, लॉन्ग कोट दे दीजिए। लॉन्ग कोट चाहिए उनको 15-20 हज़ार रुपये में, लॉन्ग कोट तो नहीं मिल पाएगा। लॉन्ग कोट बच्चा आपको 20 हज़ार के रेंज में नहीं मिल पाएगा, 20 हज़ार से अधिक। लॉन्ग कोट में भी बहुत कोई मेरे कमेंट में कॉल करके बहुत कोई पूछे कि भाई लॉन्ग कोट 20 हज़ार में नहीं मिलेगा तो कितना में मिलेगा। तो लॉन्ग कोट का भी वैरायटी होता है, जैसे लॉन्ग कोट होता है एक नन केसीआई, एक केसीआई और एक इंपोर्ट का बच्चा। तो नन के सी आई लॉन्ग कोट लीजिएगा तो वो कुछ कम में मिलेगा, के सी आई वाला लीजिएगा तो उससे कुछ अधिक में मिलेगा, और इंपोर्ट का बच्चा अगर लीजिएगा तो उससे कुछ अधिक में मिलेगा। तो होता क्या है, तो बहुत पे बोलते हैं कि भैया 1-2 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, तो जितना बोला जाता है ना, कहावत में एक है, जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। तो यही चीज़ है कि जितना जर्मन सेफर ऐसा ब्रीड है ना कि जितना खर्च कीजिएगा उतना ही प्रायोरिटी उसमें आपको मिलता जाएगा। जर्मन शेफर्ड ऐसा ब्रीड है, लॉन्ग कोट खास करके आज के डेट में बहुत कोई शॉर्ट कोट को भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, बहुत कोई ब्रीडर लोग देखेंगे कि शॉर्ट कोट भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आज का डेट पिछले 4-5 साल से लॉन्ग कोट का चलन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो देखने में अल्टीमेट लगता है। तो कस्टमर को क्या क्या चाहिए, अल्टीमेट चीज़, कोई भी चीज़ चाहिए, अच्छा चीज़ चाहिए कि एकदम लगे कि हाँ, कि निकाले तो लगे कि शेर का बच्चा है ये। लेकिन लॉन्ग कोट सिर्फ लेने से नहीं होता रहेगा, सबसे बड़ा बात है उसका कोट में भी ध्यान देना पड़ेगा, उसका कोट से लेके डाइट से लेके ग्रूमिंग से लेके सारा चीज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि लॉन्ग कोट का बच्चा लेके गए और छोड़ दिए, ना ग्रूमिंग कर रहे ना कुछ कर रहे, तो वैसे आपका बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। अच्छा निकलने के लिए उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका लॉन्ग कोट का जो ब्रीड है ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, बाहर लेके अगर निकलिएगा तो लगेगा कि हाँ कोई ब्रीड है। चार आदमी पूछेंगे कि भैया कहाँ से लिए, कितना का दिया, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तारीफ करेंगे, तब तारीफ करने पे होता ना, जब अगला आदमी, कोई भी अगला आदमी जब तारीफ करता ना, तब लगता है ना कि हाँ ये चीज़ हम रखे हैं, तारीफ करता तो मज़ा आता है। वो जितना भी हम पीछे मेहनत किए हुए रहते या खर्च किए हुए रहते, देखिए सिर्फ बोला जाता ना, पैसा से डॉग नहीं पाल सकते, जब तक आपको अटैचमेंट नहीं है तब तक आप डॉग नहीं पाल सकते। जैसे कि आज ही देख लीजिए, आज ही मैं अपने खुद रॉटवाइलर डॉग को घुमा रहा था, उसके पैर में फंस गया चेन, उसको छुड़ाने के चक्कर में दूसरा डॉग आ गया उससे झगड़ा करने के, उसको झगड़ा करने के छुड़ाने के चक्कर में मेरा डॉग मुझे खुद बाइट कर लिया, देख रहे हैं, ये आज सुबह का काम है। तो अब हम उसको क्या करें, मारे पीटे नहीं, क्योंकि वो जब काटने के बाद उसका चेहरा देखने लायक था कि वो लग रहा है कि कितना बड़ा गलती कर दिया। होता क्या है ना कि बहुत कोई मार काट लेने पे उसको बांध के मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, तो भाई उसका भी ये को समझिए कि उस किस व्यू से आपको काटा है। ये नहीं कि आपको गए आप खाना देने गए या उसको घुमाने गए तो उसको आपको काट लिया, ये चीज़ नहीं। वो इरिटेट था, दूसरे डॉग को वो ये कर रहा था, वो ये भी चीज़ सोचा कि मेरे मालिक को भी हार्म कर रहा था, इसलिए वो मुझे बचाने के व्यू से भी हो सके तो वो मुझे छुड़ाने के व्यू से उसको काटना चाह रहा था, हमको काट लिया। यही होता कि सिर्फ डॉग पालिए मत, डॉग से अगर लगाव है तभी डॉग को घर पे लेके आइए, नहीं तो मेरा सजेशन है कि तब तो फिर देखा हिस्की कुत्ता मत खरीदिए। उससे क्या होगा कि आप कोटिंग देख के ही देख के, अरे फलाना जर्मन से लेके आया, हम रॉड वाइलर लेके जाएंगे, लैब्राडॉर लेके आया, हम पिटबुल लेके जाएंगे, वो चीज़ नहीं कीजिए। वो चीज़ करने से होता क्या ना कि डॉग को टाइम नहीं मिल पाता, वो देखा इसके 4 दिन आपका उसको
अच्छे से सेवा कीजिएगा ही कीजिएगा, पांचवा दिन छोड़ दीजिएगा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर डॉग लवर हैं तब डॉग रखिए, नहीं तो मत रखिए। आज मैंने लॉन्ग कोट और डबल कोट में आपका सारा वेरिएशन क्लियर कर दिए। जिसको भी और कुछ भी पूछना होगा तो वो आराम से कॉल कर सकते हैं। ये है डबल कोट का बच्चा, मेल पपी जर्मन शेपर्ड। ये बच्चा तो ऐसे बुक है, लेकिन इसका मेल फीमेल बच्चा और मेरे पास है, किन्हीं को भी चाहिए होगा तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।